नमस्कार दोस्तों, HNMX YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ITI रविंद्र सिंह और आप देख रहे हो HNMX YouTube चैनल। तो दोस्तों, आज चर्चा करते हैं PSC मेडिकल के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अक्टूबर लास्ट तक मेडिकल प्लस वेरिफिकेशन दोनों कंप्लीट होने हैं। बोर्ड का आधिकारिक लेटर समस्त सेनानायक यानी PSC कमांडेंटों के पास पहुँच चुका है। ये तो आप सबको पता है, वायरल भी हो रहा है बहुत तेजी से मैसेज, वो लेटर वायरल भी हो रहा है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि मेडिकल में क्या होता है, PSC और पुलिस के मेडिकल में क्या क्या भिन्नताएं हैं, PSC का मेडिकल कहाँ होता है, PSC के मेडिकल में क्या क्या चेक होता है। दोस्तों, तब तक के लिए आप बने रहिए HNMX पर और देखते रहिए हमारे चैनल को। दोस्तों, अभी कुछ नए दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि PSC मेडिकल, पहले तो मैं आपको ये अवगत करा देना चाहता हूँ कि समस्त जो PSC कैंडिडेट हैं उन सभी का मेडिकल PSC वाहिनियों में होना तय है, निश्चित है। ये एक चीज, यानी कोई भी ये ना सोचे कि पुलिस लाइन में मेडिकल होगा। सबसे पहली फर्स्ट बात है, सबसे मेन बात है वो है कि आप सभी का यानी थर्ड बैच 49,568 का PSC वाले जो बचे हैं अभ्यर्थी, सब का मेडिकल PSC लाइन PSC वाहिनियों में होना है, नंबर एक बात। और नंबर दो बात, दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको, पुलिस का मेडिकल यानी पुलिस कांस्टेबल का मेडिकल जो आगे दो बैच जा चुके हैं और तीसरा बैच आपका जा रहा है, तो इसमें और PSC के मेडिकल में क्या भिन्नताएं हैं, क्या PSC का मेडिकल पुलिस के मेडिकल से टफ होता है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा मेडिकल पुलिस का होता है सेम वही प्रोसेस, सेम वही सिस्टम PSC मेडिकल का होना है। PSC मेडिकल का बहुत से लोगों के दिमाग में एक हुआ बना हुआ है कि सर क्या होगा, नौकनी कैसे चेक होती हैं, आंखें कैसे चेक होती हैं, कान कैसे चेक होते हैं, क्या दांत चेक होते हैं, क्या क्या चीज चेक होती है। दोस्तों, बहुत ज्यादा बारीक नहीं होता है। जो आपके मैन पार्ट्स हैं, मैन पार्ट्स जो PSC पुलिस में चेक हुए हैं वही आपके PSC में चेक होने हैं। जैसे आपकी आंखें, आपका कलर विजन प्लस आपकी आई साइट्स, आंखों का चेक होना है। आपके कान, आपके कानों का पर्दा प्लस दाग प्लस सुनने की क्षमता, यानी पर्दा सही है, फटा हुआ है, आपके कानों में पर्दे पर दाग तो नहीं है और सुनने की क्षमता आपकी कम तो नहीं है, श्रवण शक्ति, दो चीज। दोस्तों, आपका हाथ प्लस उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी कटे फटे या ऐसे तो नहीं है जो नहीं चल रहा हो, कोई उंगली नहीं चल रही हो, और आपका पैर नौगनी और आपका फ्लैट फीट। दोस्तों, संभवतः अधिकांशतः यही चेक होते हैं, बट कुछ सेंटरों पर यानी गुप्तांग वगैरह भी या पाइल्स वगैरह या दांत वगैरह चेक कर लेते हैं, मगर अधिकांशतः पर नहीं होते हैं। तो बहुत ज्यादा टिपिकल मेडिकल PSC का नहीं है, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बट मेडिकल तक आप अपने आप को सेफ रखिएगा, सुरक्षित रखिएगा, कहीं भी बाइक राइड मत करिएगा, कोई भी ऐसा जोखिमपूर्ण कार्य मत करिएगा जिससे आपको चोट लगने का अंदेशा हो। जैसे कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल मत खेलिएगा, यानी अब आपका वह समय आ गया है जिसका कि आपको काफी समय से इंतजार था, चलो आ गया नहीं तो आने वाला है, ये ना सोचिएगा सर ने बोल दिया आ गया है। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि अब आप अपने आप को मेडिकल तक सुरक्षित रखिएगा, बाद मेडिकल आपकी वेरिफिकेशन होनी है। वेरिफिकेशन का मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि वेरिफिकेशन में क्या होगा, कौन सा प्रपत्र लगेगा, कहां से होनी है वेरिफिकेशन के लिए, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं और आपको कब तक करानी है, क्या करना है। दोस्तों, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा और हाँ, जैसे ही अग्रिम मेडिकल की डेट का अंदेशा होता है तो मैं बता दूंगा, भाई झूठ तो मैं बोलूंगा नहीं, इतने से हो जाए, लेकिन संभवतः अनुमान लगाया जा रहा है कि हाँ, मध्य सितंबर के लगभग आपका मेडिकल यानी शुरू होने की संभावना है। वो केवल एक अनुमान है, फिक्स डाटा कहीं से कोई मिल नहीं पाया। दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जुड़िएगा, क्योंकि कोई लेटर वगैरह आता है तो वहाँ पे हम सबसे पहले डालते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। हाँ, अगर अब भी कुछ लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया भैया सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।